केटीवी समाचार का सरप्राइज अप डीपीएमआई सिलीगुड़ी इंडिया लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कैपिटल यूनिवर्सिटी जोरथांग साउथ सिक्किम एडमिशन ओपन फॉर द सेशन 2024-25 कैसा लग रहा है? नहीं, एकदम पीसफुल और पीसफुल शांतिपूर्वक। और डांस ये है, इलेक्शन आता है जाता है, लेकिन इलेक्शन मतदान के दिन के बाद पार्टी का डिफरेंट डिफरेंट पार्टी, डिफरेंट जाति, डिफरेंट रिलीजन, हम लोग 26 तारीख के बाद एक ही साथ एक गोरखा समाज और इंडिया का नागरिक की हैसियत में हम लोग जिएगा। इसलिए आई एम वेरी हैप्पी, पीसफुल पोलिंग है, सब दाजू भाई है, अपना अपना पार्टी है। आज से उधर हम लोग एक साथ होके दार्जिलिंग का सब गोरखा लोग, अन्य जाति का लोग एक होके इंडिया का नागरिक जैसे हम लोग आगे बढ़ेगा। रिजल्ट का उम्मीद कितना है? नहीं देखिए, थिंकिंग है, क्योंकि बीजेपी का हम बोल रहे हैं, बीजेपी और टीएमसी का ऐसा माने आधार नहीं है ना। आधार होने था तो हम उधर ही होता था। हम लोग का जाति का मांग हो, जाति का अच्छा डेवलपमेंट हो, वो नहीं था तो उस साइड ही होता था। हम ये दार्जिलिंग क्षेत्र और दार्जिलिंग का बहुत हृदय से हम प्रेम करते हो। सो जो पार्टी, नेशनल पार्टी हम लोग का ये क्षेत्र का लिए अच्छा काम करता होगा, वो उधर कैंप में होता था। 21-19 में भी ये गला राजू बिस्टर और नीरज जिम्बा के लिए ये गला खराब किया था, लेकिन इस बार आदर नहीं है। सो वो छोड़ दीजिए, अभी 26 तारीख है। आई विश ऑल द वोटर्स वेल, सब वोटर्स को आई विश देम अ पीसफुल पोलिंग। एंड कल से 27 तारीख से फिर हम लोग सेवा के कार्य में स्टार्ट करेगा, पार्टी का कार्य में स्टार्ट करेगा। हम लोग का काम कभी नहीं खत्म होगा। ये 26 का उधर सब पार्टी अपना अपना घर जाएगा, लेकिन हम लोग गांव बस्ती समाज में काम करके हम लोग आगे बढ़ेगा। तो मेन एजेंडा देखिए मुद्दा है, ओके, हम लोग ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, इधर आके झूठ बोलने आदत नहीं है। और क्या है, देखिए 15 साल बीजेपी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ बड़ा बड़ा बोल के, बड़ा बड़ा आश्वासन करके, और टीएमसी और बीजेपीएम भ्रष्टाचार में टेट एग्जाम का हम लोग केस डाला है। 14,000 गरीब भाई बहन को, 14,000 को एकत्रित करके फेक टेट एग्जाम किया है, उसका प्रूफ है, और ये हाईकोर्ट में हम लोग जा रहा है। सो हरेक इलेक्शन में घोटालाबाजी, झूठा आश्वासन, इससे मुक्त होने के लिए देखिए कांग्रेस स्पष्ट है। 18 वर्ष आगे 2007 में हम लोग सिक्स शेड्यूल बोल रहा था, उस टाइम आदमी लोग नहीं, गोरखालैंड गोरखालैंड गोरखालैंड, 18 साल हो गया लेकिन हाथ में कुछ नहीं मिला अभी तक। 18 साल में कुछ नहीं देना है। सो इस बार हम फिर बोल रहे हैं कि नहीं, सिक्स शेड्यूल, 11 जनजाति, और ये जो लाल कोठी है ना, हम सभासद है लाल कोठी में, लेकिन लाल कोठी इतना बेकार का व्यवस्था है, आम आदमी का उत्थान कर नहीं सकता है। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि सिक्स शेड्यूल ये लाल कोठी में आने से, देखिए बोडो टेरिटोरियल काउंसिल DGHC से यंगर, लेकिन अभी 3000 क्रॉस मिल रहा है बोडो टेरिटोरियल काउंसिल, लेकिन ये ऊपर लाल कोठी में अपना, हम सभासद है, अपना क्षेत्र उत्थान करने के लिए भी डेवलपमेंट नहीं है। सो झूठा बोलना पड़ेगा, झूठा बोलना पड़ेगा हर इलेक्शन के आगे, फेक टेट, घोटालाबाजी, ये सब करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, ये लाल कोठी में एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था होने से, जो फाइनेंस कमीशन से आता है, वो सब करने से हम लोग का गरीब से गरीब जातीय उत्थान होगा, हम लोग का स्कूल कॉलेजेस। अभी देखे ना, जो टीस्टा है,
हम लोग इधर का नेता डरता है, ममता बनर्जी का आगे बोलने डरता है, मोदी का आगे बोलने डरता है, लेकिन जो टीस्टा है 600 करोड़ रुपया कमाते हैं हर साल, हम लोग को एक यूनिट नहीं मिल रहा है, एक रुपया भी नहीं मिल रहा है। लेकिन टीस्टा का जो हम लोग को इन्वायरमेंटल डैमेजेस, बाढ़ पीड़ित, जीरो। लेकिन हम लोग का ये सब करने के लिए कांग्रेस का साथ, खड़गे साहब के साथ, राहुल गांधी के साथ, इंडिया गठबंधन का, आप समाजवादी पार्टी, ये सारे 2 साल का पार्टी है, एक दिल्ली में एक हाई टेबल मिला है। सो इसलिए हम लोग ये वार्ता भी शुरू किया, ये झूठ का नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली में गया, वार्ता 2 बार किया। ओके, सो ये इलेक्शन के बाद हम लोग ये वार्ता आगे बढ़ेगा। कांग्रेस इनिशियली गॉट अबाउट 1,30,000-1,50,000 कांग्रेस एंड सीपीएम पुट टुगेदर, दे गॉट 1,50,000 फ्रॉम द प्लेन्स। दिस टाइम फ्रॉम द प्लेन्स इट्स गोइंग टू बी अ बिग मार्जिन बिकॉज चापरा एंड ऑल ऑफ दीज एरियाज वी आर विनिंग बाय ह्यूज मार्जिन्स। एंड ये जो बोल रहा है मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, आई डाउट इट, कुछ नहीं होना है। ये 2000 में भी भाजपा आएगा, पोखरण ब्लास्ट, ये सब पोखरण ब्लास्ट और कारगिल वॉर, इंडिया शाइनिंग, 20 साल हो गया, लेकिन 20 साल में जो आएगा आएगा बोल रहा था वाजपेयी, उस टाइम 20 साल आगे हट गया और अटल बिहारी वाजपेयी हार गया और मनमोहन सिंह। सो दिस टाइम ये जो बोल रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ग्रास रूट में कमाई नहीं है, खर्चा कितना बढ़ गया है, दिस इज और बेरोजगार।